ऐसा तो है नहीं कि वाम संगठनों का गढ़ या फिर उनकी पकड़ अभी अचानक से बीजेपी के राज में यहां पर बन गई है। ये तमाम यूनिवर्सिटीज तो लंबे वक्त से वाम संगठनों के गढ़ है, फिर आज ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं किसी ऐसे है कि पूरे देश भर में, और यही तो जांच का विषय है जो हमने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया है हाँ कि अचानक यहां पे कैसे इस विमर्श को, विमर्श सोशल मीडिया पे भी हो सकता है, विमर्श जो है ब्लॉग्स लिखकर भी हो सकता है, लेकिन विमर्श ने जो अराजकता की स्थिति ली है, विमर्श ने जो लड़ाई झगड़े का माहौल लिया है, इसको आखिर कौन फंड कर रहा है? विमर्श कोई जरूरी नहीं कि विमर्श जो है सड़कों पर ही विमर्श हो, आपके हिसाब और से मेरा कौन यही फंड कर अपना रहा है मानना सर? है कि मेरे हिसाब से यही तो जांच का विषय है, और यही तो हम सब लोग वाइस चांसलर से लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि जरूर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इन लोगों को फंड करके इस तरीके से जो विमर्श को चेंज कर रही है। और शिशिर आज जी पूरे देखिए जी पिछले पांच जी जी पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से हाँ केवल JNU और जामिया मिलिया जिसमें 8 से 10 हजार कुछ स्टूडेंट्स है, लाखों स्टूडेंट्स इस पूरे देश में पढ़ते हैं, लाखों स्टूडेंट नॉलेज क्रिएट करते हैं, लाखों स्टूडेंट्स के ऊपर इसको नॉलेज एक्सीलेंस का समय है, केवल 8-10 हजार लोग ही बौद्धिक नर्सरी में है, बाकी कोई नहीं है बौद्धिक नर्सरी में। ऐसी बात तो है नहीं, शिरीष जी पूरे आप भी उत्तर अपनी बात प्रदेश, पूरी कर पूरे लीजिए, फिर बड़े मैं बड़े सुधांशु जी प्रदेशों और में। जिग्नेश जी के पास जाऊंगी। शिरीष और जी हमारा या जैसे हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, 4 लाख लड़के मेरे अंडर में पढ़ते हैं, उनमें से भी लोग विमर्श कर रहे हैं, लोग ब्लॉग लिख रहे हैं, लोग CA के विरोध और पक्ष में हो पा रहे हैं, पर इस तरीके का विमर्श तो मैंने बिल्कुल, मुझे स्पॉन्सर्ड दिख रहे हैं, और इसीलिए हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। शिरीष जी हाँ, मेरा कहना ये था कि हमारे पास MA इकोनॉमिक्स नाम का एक, इकोनॉमिक्स और एजुकेशन मिलकर एक विषय है, इसमें कई प्रकार के संशोधन हुए, उन संशोधनों के बाद ये निष्कर्ष आया है कि भाई अगर हमारी शिक्षा ठीक है, अगर हमारी शिक्षा ठीक है, समृद्ध है, तो वो हमारा GDP जो है 30% बढ़ सकता है। अगर हम इस तरह से शिक्षा को ही बंद कर देंगे, आवाज नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है आवाज अभी अंजना जी? बिल्कुल आ रहा है श्री जी, बस अंजना एक जी मन में आवाज एक आ रहा सवाल है? भी आ रहा है साथ में, और वो ये कि लेफ्ट का तो कोई दखल गुजरात में है ही नहीं, फिर आपको नहीं, ये लेफ्ट में हाँ गुजरात में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है। आप JNU और जामिया और जादवपुर के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां लेफ्ट का प्रभुत्व है, वहां पर लेफ्ट का प्रभुत्व है, इसलिए यह सारी समस्या खड़ी हो रही है, और यह समस्या पूरे भारत में ना आए इसके लिए हम लोगों ने इस चिट्ठी को लिखा हुआ है। ठीक है जिग्नेश जी, अभी आपका जवाब और सुधांशु जी को दिखाइए। ठीक है जिग्नेश, यहाँ पे कारण तो गुजरात में भी बिन सचिव वाले क्लार्क के एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ और हजारों की तादाद में स्टूडेंट सड़कों पर उतरे, चक्का जाम किया, लगातार डेमोन्स्ट्रेशन किए, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? जामिया मिलिया और JNU को टारगेट करने के लिए ये भारत के अभी अभी ताजा समुद्र मंथन में से निकले 208 नगीने ये जो पत्र लिख रहे, भारत में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है बेरोजगारी ने, इस मुद्दे पर क्यों खामोश है? जब रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या हुई तब आप क्यों खामोश हुए? शिक्षा के बजट में से 3,000 करोड़ की कटौती हुई, इस मुद्दे पर आप क्यों खामोश है? 3,000 का कोर्स अब 55 और 60 हजार में होगा JNU में, उस मुद्दे पर क्यों खामोश है? 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया ना अनएम्प्लॉयमेंट ने, कहिए ना मोदी जी को रोजगार दे, इन मुद्दे पर पत्र लिखने का मन नहीं करना है। सारी यूनिवर्सिटियों के इन मुद्दे पर भी पत्र लिखिए कि मोदी साहब हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं इन अनएम्प्लॉयड यूथ को तुरंत कुछ भी करके रोजगार दीजिए, लिखिए ना ऐसा पत्र। किसी की बात सुनेंगे क्या? ये पत्र तब क्यों नहीं लिखा? सुनेंगे क्या? अरे भाई सुनो तो सही, सुनने की बात ही नहीं है। आप सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, इंडिया टुडे के एक्सपोज में साफ तौर पे पता चल गया, ABVP के लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन में एडमिट किया है कि उन्होंने ही हिंसा की है। स्टिंग ऑपरेशन गलत दिखा रहा है। ठीक है शिरीष जी, एक जवाब देना चाह रहे हैं, शिरीष जी एक जवाब दे रहे, फिर सुधांशु जी फौरन आ रही। बोलिए वाइस चांसलर साहब, बोलिए वाइस चांसलर साहब। शिरीष जी हाँ मैं बोलू? हाँ बोलिए। मैंने मुझे ये कहना है कि अपने जिग्नेश भाई को अर्थशास्त्र के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं। मोदी जी जब पर्सनल इकोनॉमिक एडवाइजर बन जाइए, उसने वेस्टर्न कंट्री भरपूर शुभकामनाएं, खड्डे गिराओ और जो खड्डे गिराने वाले मजदूर हैं उनको पैसे दो, फिर वही खड्डे पूरे रग पूरे कर दो और उनको पैसे देना,
उसके बाद में जो पैसा लोगों की जेब में आएगा उसके आधार पर डिमांड बढ़ेगी। वेशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एक विषय है जिसमें इस प्रकार की आर्थिक स्थितियां हर देश में हर जगह पे कभी ऊपर आती है कभी नीचे जाती है, ये कायम का है, ऐसा कुछ नया विषय नहीं है। इसके अलावा वाइस चांसलर साहब एक बात ये भी है, ये भी देखिए आप कि स्टूडेंट्स ना तो इम्तिहान देना चाहते हैं ना वो क्लासेस में जाना चाहते हैं, इससे देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे भावी जो ठीक है श्री जी, फिरोज बख्श साहब भी बोल रहे, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ जिग्नेश जी सुनिएगा इनकी दलील, एक बात सुन लीजिए मेरी। जिस तरीके से बच्चा आज रोड पे आया हुआ है, चाहे वो जामिया का हो, चाहे वो जेएनयू का है, चाहे वो एएमयू का हो, चाहे जादवपुर का हो, कहीं का हो, कितना बड़ा नुकसान है, सरकार का इतना बड़ा नुकसान है, बच्चों का अपना नुकसान है, ये बच्चे भटकाए भटकाए बहकाए और भड़काए जा रहे हैं आप जैसे नेताओं के जरिए। आप इनको यू गिव देम अ गुड वर्ड, उनको बोलिए यू एजुकेट योरसेल्फ बेटर बजाय इसके के नेता बने। और जेएनयू में क्या है, जेएनयू तो वामपंथ का अड्डा है, वहां तो कहते हैं आइए जी हम आपको नेता बनाएंगे और सरकार के खिलाफ एस्टेब्लिश के खिलाफ आपको हम खड़ा करेंगे। ये बड़े अफसोस की बात है। जेएनयू में जो भी कुछ हुआ आजकल वहां दो धड़े बने हुए हैं, एक पार्टी को बिलोंग करता है, एक दूसरी पार्टी को बिलोंग करता है। मेरी इन दोनों धड़ों से दरख्वास्त है, चाहे वो वामपंथी हो या किसी और पार्टी को बिलोंग करते हैं, खुदारा आप आपस में ना लड़ें। आप वहाँ पढ़ने जाते हैं, देश का नाम ऊंचा करने जाते हैं, अपने सारे डिफरेंसेस को एक दिन मिल जाइए दोनों तीनों धड़े जितने भी हैं और मिलके पढ़ाई करिए, अपने क्लासेस में जाइए।